पाकिस्तान इज़ कनेक्ट टू अफगानिस्तान विया ऑप्शन सी इज़ क्रैक्ट हैबर पास पाकिस्तान हैबर पास के ज़रिए अफगानिस्तान से कनेक्ट है ब्रॉड पीक इज द डैश हाइस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान ऑप्शन सी इज़ क्रैक्ट फोर्थ ब्रॉड पीक पाकिस्तान में चौथी बड़ी चोटी है और ये पाकिस्तान और चाइना के बॉडर पर वाक़ है

नेशनल एंथम है कूमित राना है उसको जो ना सेलेक्ट किया गया वन आवर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नाइनटीन फिफ्टी सिक्स वॉज अडाप्टीस सौ छप्पन का आयन जब अडाप्ट किया गया उस वक्त कौन कौन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे ऑप्शन सी इज करेक्ट चौधरी मोहम्मद अली हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान प्रोविंस सूबा बलोचिस्तान के मौजूदा गवर्नर जनरल गवर्नर कौन है ऑप्शन बी स्क्ट अमानल्लासुनदई काद्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन कायद अजम ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पहली दफ़ा कब हताब किया ऑप्शन ए करेक्ट अलेवंथ अगस्त 1947 फोटी सेवन ग्यारह अगस्त उन्नीस सौ को दि हंजरा पास कनेक्ट पाकिस्तान विद हंजरा पास पाकिस्तान को किस मुल्क से मिलाता है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट चाइना से विच रिवर इज़ कॉल्ड द नील ऑफ पाकिस्तान कौन से दरिया को नील ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इंडस रिवर को जो कि दरिया इस सिंध में वाक़ है मतलब जो सिंध में वाक़ है इन विच सिटी ऑफिस ऑफ फीफा हाउस इज़ सिचुएटेड इन पाकिस्तान पाकिस्तान में फीफा का दफ्तर कहाँ पे वाक़ है ऑप्शन इज करेक्ट लाहौर में हु इज़ दी ओनली पर्सन इन पाकिस्तान टू हैव सर्व एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ पाकिस्तान किसने जो ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ पाकिस्तान के तौर पर इतमात सर अंजाम दिए हैं ऑप्शन बी इज क्रैक चौधरी परवेज इलाही ने ए बी डी ओ वॉज़ प्रोमोगेटेड बाई अयूब खान इन नाइनटीन फिफ्टी नाइन वट डाज ई बी डी ओ स्टैंड फॉर ऑप्शन एज क्रैक्ट अलेक्टिव बॉडी डिसकॉलीफिकेशन आर्डर और आपको पता होना चाहिए कि इस आर्डर के तहत अयूब खान ने जब मार्शल लॉ लगवाया तो बहुत से पॉलिटिशियंस को इस आर्डर के तहत डिसकॉलीफाई कर दिया किसी भी पोलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइट यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का मुस्तकिल नुमाइंदा कौन है करेक्ट मोनिया अक्रम ऑन सेप्टेम्बर नाइन नाइनटीन फिफ्टी एट पाकिस्तान अकवाइड ग्वादर फार्म नौ सेप्टेम्बर उन्नीस सौ अठावन में पाकिस्तान ने किस मुलक से गवादर को हासिल किया ऑप्शन ए इसको एक्ट उमान से इन विच ईयर सिक्योरिटी कौंसल इनक्रीज टेन टू फिफ्टीन किस मुल किस साल में सिक्योरिटी कौंसिल को इनक्रीज करके दस से पंद्रह तक ले जाया गया ऑप्शन ए इसको एक्ट ना नाइनटीन सिक्सटी फाइव में वट वाज द ड्यूरेशन आफ मम्बरशिप आफ कायद अज़म बोथ इन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस कायद अज़म की मुस्लिम लीग और कांग्रेस में दोनों की मुश्तरक तौर पर मेम्बरशिप का जो दुरानिया था वह कितना था ऑप्शन डी इज़ को एक्ट सेवन ईयर्स वन डिड नाइनटीन सेवेंटी थ्री कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनफोर्स नाइनटीन सेवनटी थ्री का आय कब नाफाज किया गया ऑप्शन सी इज़ को एक्ट फोटीन अगस्त को इन विच ईयर पाकिस्तान फंड वाज इस्ट पाकिस्तान फंड कब कायम किया गया ऑप्शन सीज़ को एक्ट नाइनटीन फोटी सेवन को वन वाज दलान पाँच साल मनसूबा कब पेश किया गया ऑप्शन डीट नाइनटीन फिफ्टी फाइव उन्नीस सौ पचपन में हु वाज दर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ पाकिस्तान पाकिस्तान के पहले वजी कौन थे ऑप्शन सी एक्ट लिया खान वेयर इज़ पाकिस्तान फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड पाकिस्तान का पहला ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में वाक़ है ऑप्शन सी इज़ क्रैक्ट इस्लामाबाद में Renowned है मुस्लिम लीडर ऑफ पाकिस्तान है मूवमेंट अब्दुल्ला हारून बिलोंग टू विच प्रोविंस अब्दुल्ला और हारून का तल्ला किस सूबे से है ऑप्शन बी बीज क्रैक्ट सिंध से लिस्ट ऑफ शान हैदर आखरी जो निशान हैदर है वो किसे मिला था आपको हवलदार लालक जान को और ये कारगिल की जंग में 1999 में हवलदार लालक जान को दिया गया था विच आर्टिकल ऑफ 1973 सेवनटी थ्री रिलेटेड टू नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान उन्नीस के आन के मुताबिक कौन सा आर्टिकल पाकिस्तान की कौमी जुबान से मुतलिक है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट एंड आर्टिकल टू फिफ्टी वन सिस्टम ऑफ लेजि वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट किस कॉन्स्टिट्यून के तहत इसको लाया गया नाइनटीन सेवेंटी थ्री कॉन्स्टिट्यून के तहत द फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू लॉ इन पाकिस्तान और इनफोर्सबल द पार्लियामेंट पाकिस्तान वन ओनली वन गोल्ड मेडल इन विच स्पोर्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम इन 2019. 2019 के कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान ने सिर्फ एक सोने का तगमा जीता वो किस स्पोर्ट में जीता था ऑप्शन सी इज करेक्ट रेसलिंग में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट खरीफ क्रॉप इनमें से कौन सी फसलें हरीफ नहीं है ऑप्शन दी इज क्रैक्ट वीट गंतम दरीज सिस्टम इज़ प्रैक्टिस्ड ओनली इन ऑप्शन सीज़ को बलोचिस्तान। हाउ मैनीटर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्राम ईच प्रस पाकिस्तान ऑप्शन सीज क्वेक्ट ट्वेंटी थ्री हर सूबे में से तेईस जो सैनिटर्स हैं वो उनको सेलेक्ट किया जाता है हाउ मैनी आर्टिकल्स आर दियर इन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी थ्री उन्नीस सौ तिहत्तर के आतने आर्टिकल थे

इलाहा की डिमांड की ऑप्शन बी इज करेक्ट एन डब्ल्यू एफ पी एंड बलूचिस्तान, यानी कि के, के पी के और बलूचिस्तान की वट इज़ टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की कोस्ट लाइन की कितनी जो ना लंबाई है ऑप्शन बी इज करेक्ट वन थाउजेंड एंड फोटी सिक्स किलोमीटर वेन वॉज सुस फर्स्ट डिस्कवर इन पाकिस्तान पाकिस्तान में सुई so गैस पहली दफ़ा कब दरिया हुई ऑप्शन बी स्क्ट नाइनटीन फिफ्टी टू उन्नीस सौ बावन में पाकिस्तान अंडर एल्बर्ट आइंस्टाइन पाकिस्तानी साइंसदान जिसने एल्बर्ट आइंस्टाइन के अंडर काम किया है ऑप्शन बी स्क्ट मोहम्मद रियाजुद्दीन सदीकी दुरान एंड हाउ आर द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट किस अमेंडमेंट के तहत कुरान और सुन्ना को जो ना सबसे आला कानून तस्वर किया गया ऑप्शन एसको एक्ट नाइन्थ अमेंडमेंट नावी अमेडमेंट के तौर पर पाकिस्तान इंस्टॉल द फर्स्ट न्यूक्र पावर स्टेशन इन कैची विद कोऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान ने किस मुल्क के तावन के साथ कैची में अपना पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कायम किया ऑप्शन सी इज करेक्ट कनाडा कनाडा की कोऑपरेशन के साथ Settlement, settlement of Border dispute and signing of boundary agreement with China proved a milestone in the history of Sino-Pak relationship. Which of the following diplomats rendered his services to finalize the agreement? Pakistan or China's border agreement hai, kis side, eh, kis ne ki? Option C is correct. कॉन्ट्टिटें शेल्फ लिमिट ऑफ़ पाकिस्तान इज पाकिस्तान की कॉन्टीन शेल्फ लिमिट कितनी है ऑप्शन डी इज करेक्ट थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी नेक्ट्रिकल माइल्स हबा खतून इज फेमस पोइटिस ऑफ हिच कैन लैंग्वेज हबा खतून किस जबान की मशहूर शायरा हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट कश्मीरी ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर प्रेजिडेंट एंड गर और बाउंड टू डिजॉल्व दसेंबली प्रेजिडेंट और गवर्नर जो हैं वो वजीर अज़म और वजी अल की हदायत पर कितने घंटों में असम्बली को तहलील करने के करने का पाबंद होते हैं ऑप्शन बी इसको एक्ट फोर्टी एट आवर अड़तालीस घंटे के अंदर अंदर टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसकी ट्रम कितनी है ऑप्शन सी इज करेक्ट फाइव इयर्स व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन बी इज करेक्ट थर्टी इयर्स द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज पाकिस्तान के वाहद वाइस प्रेसिडेंट कौन है ऑप्शन ए इज करेक्ट नूरुल अमीन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यून असम्बली में कब पेश की गई ऑप्शन सी इज करेक्ट ट्वेल्थ मार्च नाइनटीन फोर्टी नाइन दूर पास कनेक्ट चित्राल विद शंदूर पास चित्राल को किससे मिलाता है ऑप्शन इज करेक्ट गिलगित से जीटी रोड इज वन ऑफ द मेजर हाईवे ऑफ पाकिस्तान वट डजी मीन जिटी स्टैंड फॉर जी जो पाकिस्तान का मेन हाईवे है उसका मतलब क्या है ऑप्शन बी इज करेक्ट ग्रैंड ट्रंक सचल सरमस्त इस सूफी सेंट ऑफ सचल सरमस्त एक कतल किस सूबे से है ऑप्शन बीज क्रैक्ट सिंध से आफ्टर द्रिएशन ऑफ पाकिस्तान द फर्स्ट रेडियो स्टेशन वॉज इस्टेबलिश एट पाकिस्तान के क्या के बाद पहला रेडियो स्टेशन किस शहर में कायम किया गया ऑप्शन बी इज करेक्ट कराची में सता डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन सतापारा डैम किस सूबे में वाक़ है ऑप्शन डी नॉन ऑफ डीज़ से किसी में भी नहीं